नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा आज यानी कि 29 जुलाई को ब्रायन लारा स्टेडियम टोरबा ट्रिनिडाड में इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 8 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पहले T20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले T20 मुकाबले के लिए ब्रायन लारा स्टेडियम टोरबा ट्रिनिडाड की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर इस पहले T20 मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले में ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा इस पहले T20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए ब्रायन लारा स्टेडियम टोरबा ट्रिनिडाड की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो जो पिछले 22 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहां पर टीम ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड बैटिंग करते हुए 12 मैचेस जीते हैं और एक मुकाबला बारिश की वजह से 9 रिजल्ट पर खत्म हुआ था। जबकि जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 136 रन का रहा है। इसके अलावा एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 126 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन लास्ट 22 मैचेस के स्टैट से देख सकते हो कि इस पिच पर जिस टीम ने किया है उस टीम ने ही ज्यादातर मुकाबले जीते हैं, यानी कि इस पिच पर सेकंड बैटिंग करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लास्ट 6 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें से 5 मैचेस चेजिंग टीम नहीं जीते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मुझे लगता है कि इस मैच में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि ये नया मैदान है, यहां पर अभी तक कोई भी मेंस T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं हुआ है, तो कंडीशंस का अंदाजा किसी भी टीम को नहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पहले गेंदबाजी करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर लें तो यहां पर जितने भी मैचेस हुए हैं वहां पर आपको मीडियम स्कोरिंग मुकाबले ही देखने को मिले हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले आपको इस पिच पर देखने को नहीं मिले, ज्यादातर गेंदबाजी डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्योंकि इस पिच पर पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अच्छी पिच तैयार की जाएगी और आपको फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो 160 या 170 के ऊपर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात कर ले इस मैदान के पिछले 22 मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो ट्रिनिडैगो नाइट राइडर्स की टीम का है, 185 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम का है, 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो भी बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम ने किया है, 165 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम ने किया है, 118 ऑल आउट। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस पहले T20 मुकाबले में ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो पिछले 10 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 40 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 55 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टैट्स है वो आपको क्लियरली बता रहा है कि जो ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच है वो स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। इस मैच में भी आपको स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो फास्ट बॉलर्स इस मैच में इफेक्टिव होंगे जो अपनी गति में मिश्रण करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, स्लो डिलीवरीज फेंकते हैं, उस टाइप के गेंदबाज यहां पर इफेक्टिव साबित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हो तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो और उन 2 स्पिनर्स में आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे ऋषभ पंत। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 3 पर कौन खेलेगा ये थोड़ा सा सवाल बना हुआ है, क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा या फिर दीपक हुड्डा के साथ टीम जाएगी जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट कैसा नजर आएगा, क्या रवि अश्विन आपको खेलते हुए नजर आएंगे या फिर टीम कुलदीप यादव को मौका देगी। तो आपको जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ विकेट कीपर ऋषभ पंत, नंबर 3 पर आ सकते हैं दीपक हुड्डा या फिर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर रवि
रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर आर अश्विन या फिर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पर आवेश खान या फिर अर्शदीप सिंह में से कोई एक खेल सकता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों कल देर रात वेस्टइंडीज का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड भी अनाउंस किया गया है, जहां पर हमें शिमरन हेटमेयर की वापसी होते हुए नजर आ रही है। हालांकि एवल लुइस अभी भी इस स्क्वाड से बाहर है और जिस तरीके का स्क्वाड है, ओपनिंग की जिम्मेदारी यहां पर ब्रैंडन किंग के साथ आपको काइल मेयर्सी संभालते हुए नजर आएंगे। तो आपको जो वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे काइल मेयर्स के साथ ब्रैंडन किंग, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन एंड विकेट कीपर निकोलस पुरन, नंबर 4 पर शिमरन हेटमेयर, नंबर 5 पर रोमन पावल, नंबर 6 पर जेसन होल्डर, नंबर 7 पर ओडियन स्मिथ या फिर डोमिनिक ड्रेक्स और या फिर रोमारियो शेफर्ड, नंबर 8 पर आ सकते हैं अलजारी जोसफ, नंबर 9 पर अकील हुसैन, नंबर 10 पर ओबिद मकोय और नंबर 11 पर हेडन वॉश जूनियर आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इंडिया और वेस्टइंडीज का आमना सामना T20 इंटरनेशनल में 20 बार हुआ है, जहां पर इंडियन टीम ने 13 मैचेस जीते हैं जबकि वेस्टइंडीज 6 मैचेस जीत पाए है और एक मुकाबला बारिश की वजह से नो रिजल्ट पर खत्म हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों के रिकॉर्ड की, जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो यहां पर भी इंडिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने 9 मैचेस जीते हैं जबकि वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ एक मुकाबला ही जीत पाई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों की T20 क्रिकेट में रीसेंट फॉर्म की, तो एक तरफ इंडियन टीम है जिसने अपने पिछले 5 T20 मुकाबलों में से 4 मैचेस जीते हैं जबकि सिर्फ एक मुकाबला हारा है। इसके अलावा दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम है जिसने अपने पिछले 5 T20 मुकाबलों में से 3 मैचेस हारे हैं जबकि सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म वाइज भी इंडियन टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया और वेस्टइंडीज़ इन दोनों टीमों ने जो पिछले 10-10 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, उसमें वेस्टइंडीज़ का विनिंग परसेंटेज 50 का है जबकि इंडिया का 70% है, जो कि ज़्यादा है। एवरेज स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 175 जबकि वेस्टइंडीज़ का 170 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 225 जबकि वेस्टइंडीज़ का 224 है और लोएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडिया ज़्यादा बेहतर है 111 जबकि वेस्टइंडीज़ का 104 है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि चाहे बात हो रीसेंट परफॉर्मेंस की या फिर बात हो ओवरऑल रिकॉर्ड की, इस समय हर मामले में जो इंडियन टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वेस्टइंडीज़ के कंपैरिजन में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर ले, तो आप वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से निकोलस पुरन को साथ इस फैंटेसी 11 में जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 429 रन बनाए हैं 53 के एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रोमन पावल को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 308 रन बनाए हैं 61 के एवरेज और 185 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप इंडियन टीम की तरफ से ईशान किशन को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 243 रन बनाए हैं 30 के एवरेज और 149 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 217 रन बनाए हैं 43 के एवरेज और 149 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले वेस्टइंडीज के बॉलर्स की बात कर लें, तो यहां से आप रोमारियो शेफर्ड के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं 10.62 की इकॉनमी और 13.38 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप जेसन होल्डर को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 9.24 की इकॉनमी और 11.41 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप इंडियन टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 6.37 की इकॉनमी और 13.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप हर्षल पटेल के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 8.65 की इकॉनमी और 13.58 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें स्पिनर्स की, तो आप वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। वहीं पर इंडियन टीम की तरफ से कुलदीप यादव या फिर आर अश्विन, दोनों में से जो कोई भी मुकाबला खेलता है आप उसके साथ भी जा सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें, तो इस समय ओपनिंग के मामले में इंडियन टीम ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर के मामले में दोनों टीमें लगभग बराबर दिख रही हैं। बैटिंग डेप्थ के मामले में वेस्टइंडीज़ की टीम थोड़ा बेहतर नजर आ रही है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में इंडियन टीम ज़्यादा स्ट्रांग है और स्पिन बॉलिंग अटैक भी इंडियन टीम के पास ही ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे, तो इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 है वो इस समय ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है वेस्टइंडीज़ के कंपैरिजन में। हालांकि T20 फॉर्मेट वेस्टइंडीज़ की टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है और अपनी पिछली सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ जीत कर भी आ रही, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। लेकिन इंडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा कड़ी चुनौती होने वाली है, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा और इंडियन टीम को भी जो है वेस्टइंडीज़ को हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में काफ़ी डेंजरस टीम है। तो आपको एक अच्छा और रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों
दोस्तों एक्सपीरियंस वाइज और फॉर्म वाइज इंडियन टीम ही ज़्यादा फेवरेट्स नजर आ रही है, इसलिए दोस्तों मेरे इस पहले T20 मुकाबले की जो विन प्रेडिक्शन है वो इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये पहला T20 मुकाबला जीतने वाली है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन Take care, stay safe and goodbye.